सपने में घर में पूजा पाठ देखना। कुछ सपने शुभ होते हैं और कुछ सपने अशुभ होते हैं। हर धर्म में पूजा जरूर होता है, भले ही सभी धर्म में पूजा करने की विधि अलग अलग हो, पर सभी लोग किसी न किसी धर्म से जुड़े हुए जरूर होते हैं। कोई आस्तिक होता है, कोई नास्तिक होता है, पर मनुष्य किसी न किसी रूप में ईश्वर की सत्ता को जरूर स्वीकार करता है और हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में ईश्वर की पूजा जरूर करता है। ईश्वर दो रूपों में हो सकता है, या तो साकार हो सकता है या तो निराकार हो सकता है। इन्हीं दो रूपों की पूजा की जाती है। हर व्यक्ति अपने आस्था के अनुसार पूजा करता है। हम सब ईश्वर के बच्चे हैं, परम पिता परमेश्वर की शरण में जो भी जाता है उसका कल्याण जरूर होता है। ईश्वर की दृष्टि में सभी लोग एक जैसे हैं। ईश्वर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, पर कभी जीवन में गलत होता है तो हम ईश्वर पर दोष देने लग जाते हैं। हम कभी अपने कार्यों के बारे में विचार नहीं करते हैं कि हमने अच्छा कर्म किया है कि बुरा कर्म किया है। ईश्वर सभी को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं, पर कभी कभी यही कर्म सपने में दिखने लग जाते हैं। उन्हीं सपनों में से एक है सपने में घर में पूजा पाठ देखना। तो आइए जानते हैं घर में पूजा पाठ देखने के बारे में, सपनों के बारे में। इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि भविष्य में कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आप सभी तक पहुंच सके और आप सभी को उसका लाभ मिल सके। सर्वप्रथम सपने में घर में पूजा होते हुए देखना, यह बहुत सकारात्मक सपना माना गया है। यह सपना आपके घर में होने वाले क्लेश को नाश करता है, घर की परेशानियों को खत्म करने वाला सपना माना गया है। आपके घर में सदस्यों के बीच में प्रेम बढ़ सकता है, घर में खुशी का संकेत देता है। अगर यही सपना आप बार बार देख रहे हैं तो आपके घर में कोई मांगलिक कार्य होने वाला है। घर में पूजा पाठ देखना ईश्वर की कृपा के द्वारा आपके घर में समृद्धि को बढ़ाता है। आपको अपने घर में उन्नति देखने को मिलेगा। यह सपना हर दृष्टि से शुभ माना जाता है। अगर आप सपने में देखते हैं घर में पूजा हो रहा है और किसी कारणवश से पूजा में कोई विघ्न उत्पन्न हुआ है तो यह सपना अशुभ माना जाता है। आपको अपने नकारात्मक मनोवृत्तियों को त्याग देना चाहिए। आपकी आंतरिक ऊर्जा आपका साथ नहीं दे रही है। आपके करीबी लोग आपके कार्य की आलोचना कर सकते हैं, या हो सकता है आपको किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़े। दूसरा, सपने में घर में हवन होते हुए देखना। यह सपना बहुत सकारात्मक माना गया है। जब आप हवन करते हैं तो विशेष मंत्रों को आवाहन करते हैं और उसी मंत्रों का सम्मान विशेष पदार्थों से हवन में डालते हैं, जिससे वह मंत्र सिद्ध होने लग जाता है। सूक्ष्म तरंगों की शक्ति के कारण घर में नकारात्मक वातावरण की शुद्धिकरण होने लगता है। यह सपना आपके जीवन में उच्च विचार, सकारात्मकता, समृद्धि, उन्नति, सौभाग्य, इच्छा पूर्ति का संकेत देता है। यह सपना आपके और आपके परिवार के भविष्य के लिए बहुत अच्छा सपना माना गया है। सपने में घर में हवन होते हुए देखना पर हवन बुझ जाना। अगर आप ऐसा सपना देख रहे हैं कि आपके घर में हवन हो रहा है और किसी कारणवश से हवन बुझ जाता है, जैसे आप हवन में पानी डाल देते हैं या किसी के द्वारा हवन में पानी डाल दिया जाता है, हवन से बहुत ज़्यादा मात्रा में धुआं निकलना, हवन से किसी वस्तु के गिरने की वजह से हवन बुझ जाना, या किसी कारणवश हवन का बुझ जाना, या आप जानबूझकर हवन को बुझाते हैं, तो यह सपना अशुभ माना गया है। आपके जीवन में आने वाले कष्टों का संकेत देता है। आप कोई कार्य को अधूरा करके छोड़ देते हैं, यह सपना असफलता का भी संकेत देता है। निकट भविष्य में आपकी मानसिक परेशानी बढ़ सकती है। तीसरा, सपने में अपने घर में पूजा का पंडाल देखना। यह सपना शुभ और अशुभ दोनों हो सकता है। अगर आप सपने में देखते हैं कि आपके घर में पूजा हो रहा है और जो पंडाल लगा है वह सफ़ेद रंग का है तो आपके लिए यह बहुत शुभ सपना है। आपकी आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ आपको मान सम्मान मिलेगा। पर आप सपने में नीले रंग का पंडाल देखते हैं तो आपको महत्वपूर्ण कार्य में सफलता मिल सकता है।
यह सपना आपके लिए अच्छा होगा। पर वही आप सपने में काले रंग का पंडाल देखते हैं और पूजा में कोई विघ्न उत्पन्न हो गया है तो यह सपना अशुभ माना गया है। आपके जीवन में अचानक से कोई समस्या का आगमन हो सकता है, आपको कोई विश्वासघात दे सकता है, आपका कोई अपमान कर सकता है या आपको किसी तरह की हानि हो सकती है। अगले सपने के बारे में बात करते हैं। सपने में घर में जगराता होते हुए देखना, यह सपना बहुत शुभ सपना माना गया है। आपके पूर्वज आपसे बहुत खुश हैं, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी हुई है। यह सपना पारिवारिक खुशी समृद्धि का संकेत है। यह कोई मांगलिक उत्सव घर में होने का भी संकेत देता है। यह सपना अच्छा माना गया है। पर आप सपने में देखते हैं कि आपके घर में जगराता हो रहा है और उसमें कोई विघ्न उत्पन्न हो गया है तो यह सपना अशुभ सपना माना गया है। किसी समस्या का आपको सामना करना पड़ सकता है निकट भविष्य में, आपके घर में अशांति का संकेत देता है। किसी कारण से घर में लड़ाई झगड़ा का भी माहौल बन सकता है। यह सपना हानि का संकेत देता है, जैसे कर्जा का बढ़ना, आपसी तालमेल में कमी होना, व्यापार नौकरी में परेशानी या किसी अशुभ घटना इत्यादि का संकेत देता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।